सुनो ना, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी ना? ऐसा क्यों बोल रहे हो विनोद? नहीं, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, बेहद। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा रिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। आई लव यू सो मच। अब खुश? बहुत। अच्छा आज सुनो ना विनोद, मुझे ना कुछ पैसे की जरूरत थी, अगर तुम मुझे दे सकते हो तो। पैसा कितना? ज्यादा नहीं, करीबन 10,000। 10,000? अभी तो मेरे पास नहीं होगा। 10,000 अभी मेरे पास नहीं होगा। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है। एक्चुअली 2-3 दिन बाद मेरा सैलरी आ जाएगा, उसके बाद अगर तुमको दूध चलेगा। अच्छा छोड़ो ना, मुझे पता चल गया तुम कितना पैसा। सुनो ना, सुनो, रुको रुको, अभी फिलहाल मेरे पास 5,000 है, बाकी 5 अगर सैलरी मिलने के बाद मैं तुमको दे दूँ तो चलेगा? अच्छा ठीक है, तुम वही दे दो। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, गुड गर्ल। ये लो पूरा 5, पूरा 5 है, सैलरी मिलने के बाद बाकी 5, प्रॉमिस। थैंक यू। रिया चलो ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे इतना जल्दी क्या है, अभी तो हमारा एंजॉय करने का उम्र है ना। मतलब? इतना जल्दी क्या है, अभी तो हमारा एंजॉय करने का उम्र है ना। क्या वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है? तुम मुझसे शादी कब कर रही हो? अचानक ये सवाल? तुम मुझसे शादी कब कर रही हो? अभी पॉसिबल नहीं है। ओके तो एक काम करो, आज तक मैंने जो जो गिफ्ट दिया है वो सब मुझे रिटर्न करो। मतलब? मतलब कुल मिला के 10,00,000 रुपया एक हफ्ते के अंदर मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं तो। कुल मिला के 10,00,000 रुपया एक हफ्ते के अंदर मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं तो। तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है ना? काम तो समझ में आ गया, लेकिन
इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अच्छा ये बोलो, एक क्या काफी नहीं है? हाँ हेलो, हाँ तुम कल मुझसे मिलो, मुझे तुमसे फाइनल सेटलमेंट करना है। ओके। तुम बिना क्या बोले थे तुम? एक हफ्ते के अंदर 10 लाख? एक हफ्ते के अंदर तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए किसी भी कीमत पे? हाँ इरफान किल हिम। मगर तुम मुझे ये सब क्यों बोल रही हो? बिकॉज आई लव यू। हाहाहाहा